विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर अभी तो वैसे करीब 1 से 1.5 साल का वक्त है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। पीस पार्टी ने अपने सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में 5000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ये 5000 सक्रिय सदस्य अपनी विधानसभा में पीस पार्टी का प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को अपने अपने बूथ पर मजबूत बनाएंगे। ये दावे पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने भी कहा कि मिशन 2022 में पार्टी हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पीस पार्टी ने इस दौरान गाजियाबाद मीडिया सेंटर का भी जिक्र करते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, हमारे कार्यकर्ता अगर वहां नहीं जाते तो उनका आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा था। हमने उनका हौसला बढ़ाया, हमने कहा कि किसी भी प्रकार से आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा, आपके परिवार को जो किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, और जो आपके साथ धोखा मौका प्रस्ती हुई है उसके लिए पीस पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ है। ये अमित नाम का व्यक्ति है, कोई उसमें मेरठ में बाफर गांव पड़ता है जानी थाना में, उसने लगभग 1 करोड़ रुपए के इनके साथ फर्जीवाड़ा किया है। जिस व्यक्ति के साथ 1 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो जाए तो वे समझो को निश्चित तौर से वो तो आत्महत्या कर ही लेता है, उन्होंने अभी की नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन पीस पार्टी के लोगों ने जाकर उनका हौसला वर्धन किया और उनको जो उसके साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने आज उन्हें बुलाया था यहाँ मीडिया सेंटर में,